हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्मड बाय जॉइनिंग टू बेसिक सॉलिड्स बी द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड होगा, जो सॉलिड हम दो सॉलिड्स को जोड़ के मिलाएंगे वो क्या होगा, वो जो नया सॉलिड फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम होगा इंडिविजुअल सॉलिड्स के वॉल्यूम्स का सम। समझ आया? नाउ एग्जाम्पल, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। मतलब शांता क्या करती है, एक इंडस्ट्री रन करती है शेड में जिसका शेप क्या है, क्यूबॉइड, एंड व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। If the base of the shed is of the dimension 7 meters into 15 meters and height of the cuboidal portion is 8 meters, find the volume of the air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? ठीक है, समझ आया? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो एक शेड है। देखो यहाँ पे शेड क्या है, क्यूबॉइड है विच इज सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। ठीक है, ये समझ आया? नाउ बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 meters इंटू 15 meters। तो शेड का डायमेंशन देखो 7 meter, ये देखो यहाँ पे 7 meter इंटू 15 meters, करेक्ट, एंड हाइट दिया है 8 meters। नाउ पूछ रहा है कि How much of the air can that shed hold? मतलब वो शेड कितना एयर होल्ड कर पाएगा? सपोज अब शेड के अंदर क्या है, मशीनरी भी है। अब मशीनरी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 300 meter cube। ठीक है, एंड उसी इंडस्ट्री में 20 वर्कर्स काम करते हैं और हर एक वर्कर 0.08 meter cube स्पेस ऑन एन एवरेज यूज करता है। ठीक है, तो इन सब के बाद मशीनरी और वर्कर्स को इंक्लूड करने के बाद कितना एयर शेड में बचता है। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द शेड वेयर देयर आर नो पीपल और मशीनरी इज गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड एंड इनसाइड द हाफ सिलेंडर टेकन टुगेदर। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूबॉइड और हाफ सिलेंडर दो ऑब्जेक्ट को मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। करेक्ट, इसीलिए जब यहाँ पे हमने जो अभी स्लाइड में जो एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो शेड है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द हाफ सिलेंडर टेकन टूगेदर। नाउ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of the cuboid are 15 meters, 7 meters and 8 meters respectively. ठीक है, समझ आया? That is the dimensions of the cuboid are 15 into 7 into 8. ठीक है, so diameter of the half cylinder is 7 meters and its height is 15 meters. Correct, so what will be the required volume? Required volume is equal to volume of cuboid प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हाफ सिलेंडर है। सो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 7 इंटू 8, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट, फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हाफ सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। That is 15 into 7 into 8 plus 1 by 2 into 22 by 7 into 7 upon 2 into 7 upon 2 into 15. 7 upon 2 क्यों? क्योंकि diameter is 7, so radius क्या हो जाएगा, 7 upon 2. So यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 and 7 cancel हो जाएगा, तो क्या बचा, 11 into 7 into 15 upon 2 into 2, correct? तो जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे प्लस योर 15 इंटू 7 इंटू 8, दैट विल बी 11,128.75 meter cube। समझ आया? द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1,128.5 meter cube। नेक्स्ट,
द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मशीनरी 300 m³ एंड टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई वर्कर्स क्या होगा 20 × 0.08 विच इज इक्वल टू 1.6 m³. Therefore, the volume of air when there are no machinery and workers क्या होगा 1128 minus 300 minus 1.6 यहाँ पे हो जाएगा where there are no machinery and workers. So that will be 1128.75 minus 300 minus 1.60 which is equal to 827.15 m³. Therefore, the volume of required volume of air is equal. A juice seller was serving his customers using glasses. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. News pi is equal to 3.14. Matlab dekho, very easy. जूस सेलर जो ग्लासेस यूज करता था उस ग्लास में से थोड़ा सा पोर्शन मतलब इतना पोर्शन क्या था वो सॉलिड था ठीक है. स्फेरिकल रेस पोर्शन वो सॉलिड था मतलब उसमें वो जूस फिल नहीं हो सकता था ठीक है. तो बाकी बचा कितना इतना बचा जिसमें जूस फिल होगा. तो एपेरेंट कैपेसिटी क्या हुआ एपेरेंट कैपेसिटी मतलब जितने में जूस भर सकता है प्लस जितने में जूस नहीं भर सकता. एंड एक्चुअल कैपेसिटी क्या हुआ जितना में खाली जूस हम फिल कर सकते हैं ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड आपका यहाँ पे डायामीटर कितना दिया है इनर डायामीटर इज 5 एंड योर हाइट इज 10 cm. नाउ देखो यहाँ पे आपको फिगर बनाया हुआ है. सिंस द इनर डायामीटर ऑफ द ग्लास इज 5 cm एंड हाइट इज 10 cm तो एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप का है दैट इज 3.14. वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप मार्क्स लूज कर दोगे अगर आपने 22/7 लिखा तो ठीक है. तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 196.25 cm³. बट द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास is less by the volume of the hemisphere at the base of the glass. मैंने समझाया कि वो जो hemisphere है उसमें तो कोई solid liquid नहीं fill हो सकता तो वो निकल जाएगा क्योंकि आपको actual capacity ढूंढनी है जिसमें हम liquid fill कर सकते हैं. So the actual capacity of the glass is less by the volume of the hemisphere of the base of the glass. That is, it is less by 2/3 πr³. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr³. सो यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा एपेरेंट कैपेसिटी माइनस 2/3 πr³ दैट इज 2/3 πr³ क्या होगा 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 विच इज इक्वल टू 32.71 cm³. सो the actual capacity of the glass is equal to apparent capacity of the glass minus volume of hemisphere which is equal to 196.25 minus 32.71 which is equal to 163.54 cm³. So the actual capacity of the glass is equal to 163.54 cm³. theek hai samajh aaya. Next, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. मतलब एक solid toy है जिसका एक form क्या है hemisphere ठीक है. hemisphere के ऊपर है right circular cone. तो यहाँ पे दो objects कौन से हैं hemisphere and right circular cone. इन दोनों objects को हमने मिला दिया तो हमें एक solid form मिला वो है toy. The height of the cone, very important, किसका height? Cone का, not your total height. The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. So radius कितना हुआ? 2 cm. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, मतलब अब क्या हुआ? Toy के चारों तरफ क्या है? एक right circular cylinder. मतलब toy एक right circular cylinder के अंदर है. Find the difference of the volume of the cylinder and the toy. मतलब जब एक right circular cylinder circumscribe करेगा toy को के volumes में ठीक है
टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। सो यहाँ पे देखो, लेट बी पी सी बी द हेमिस्फीयर, ठीक है, बी पी सी बी द हेमिस्फीयर एंड ए बी सी बी द कोन स्टैंडिंग ऑन द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, लेट बी ओ बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल एज ऑफ द कोन, करेक्ट। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, 2/3 πr³ प्लस h, दैट इज 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2³ प्लस 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2³ इंटू 2 विच इज इक्वल टू 25.12 cm³। अब यहाँ पे आप डेसिमल हटाने के लिए 314/100 भी कर सकते हो, ठीक है, एंड फिर आप सॉल्व कर लेना जैसे आपको इजी लगे। तो आपको टोटल क्या मिलेगा, फाइनली वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू 25.12 cm³। सो नाउ लेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ई एफ जी एच सर्कमस्पेक्ट द गिवन सॉलिड। ई एफ जी एच क्या है आपका, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये जो टॉय है उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, एच पी विच इज इक्वल टू बी ओ जो आपने देखा था, विच इज इक्वल टू 2 cm। एंड हाइट कितना होगा, ए ओ प्लस ओ पी, हाइट क्या होगा ए ओ प्लस ओ पी, करेक्ट। एंड रेडियस क्या होगा, एच पी विच इज इक्वल टू बी ओ विच इज इक्वल टू 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 cm। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्क्यूलर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू 22/7 इंटू 4 माइनस 25.12, यहाँ 22/7 हो जाएगा, तो कितना बचा 25.12 cm³। Hence, the required difference between the two volumes is equal to 25.12 cm³. समझ आया? So, what have you learned today? आज हमने पढ़ा कि कैसे दो solids को combine करके हम एक solid बनाते हैं and उसका volume हम कैसे find करते हैं। हमने related examples देखे। Next session से हम इसके exercise करेंगे। तब तक have a very good revision. इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं था, खाली दो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग वॉल्यूम निकाल के आपको ऐड करना था, जो कि वेरी इजी। यहाँ पे ओनली ट्रिक इज योर फॉर्मूले एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। जितना अच्छा आपको फॉर्मूला याद होंगे एंड जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझ के उसको करेक्टली उसका रिजल्टेंट इंटरप्रिटेशन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके सम करेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको अभी लग रहा होगा अगर ईजी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही इजी होगा चैप्टर, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सो हैव अ गुड रिवीजन, थैंक यू।